हेलो फिफ्थ ग्रेडर्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डन 5.3 ए एंड बी एड एंड सब्ट्रैक्ट. नाउ वी विल कम विद नेक्स्ट सी पार्ट. फाइंड द सम एंड एक्सप्रेस इट इन द लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म यानी कि छोटी से छोटी टर्म निकालनी है इसकी, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम फर्स्ट देखते हैं 1/2 + 3/4. अब देखो, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें दोनों क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर था वो सेम था. अब इसमें दोनों डिनोमिनेटर जो है 2 और 4 अलग है, तो हम पहले सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं. 2, 4, तो 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2, 1 2 1 जा 2. ठीक है ना? तो क्या आया हमारा एलसीएम? क्या करेंगे हम एलसीएम का? 2 × 2, तो 2 2 जा 4, यानी कि हमारा एलसीएम क्या है? 4. तो हम यहाँ क्या करेंगे? 4 लिखेंगे. इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा. तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या है? 2. और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2. देखो, पहले हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आया? 2 × 1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस 4 को जब हम इससे करेंगे 4 1 जा 4, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ, तो क्या आएगा? 3 1 जा 3. तो क्या आया हमारे पास? 2 + 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 3/4. तो क्या आएगा? 3 और 1 4 5 5/4. अब 5/4 है तो क्या करेंगे? वही मिक्स्ड फ्रैक्शन का 5 4, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 बीच में रखा 4, यहाँ 4 1 जा 4, तो 1 आ गया. तो क्या करेंगे? 1 1/4, 4 1 जा 4 और 1 5 5/4. लोएस्ट टर्म है ना, लोएस्ट टर्म ये भी है और ये भी है, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल रहे ताकि वो लोएस्ट टर्म. उसके बाद हम एक और सम देखते हैं इसमें आगे, वो हम देखते हैं थर्ड सम देखते हैं. चलो, थर्ड सम में क्या है? 4/7 + 31/49. तो क्या करेंगे? 7 और 49 का एलसीएम निकालेंगे. तो कैसे निकलेगा? 7 से 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 7 1 और 7 1 जा 7. तो एलसीएम हमारा क्या आया? 7 × 7, 7 7 जा 49. हमारा एलसीएम क्या है? 49. तो क्या करेंगे? हमारा एलसीएम आया 49. अब 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है? 7 पे आता है ना. तो क्या करेंगे? 4 × 7, ठीक है ना? 7 7 जा 49 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 4 के 49 1 पे ही आता है, तो क्या होगा? 31 × 1. तो क्या होगा? 7 4 जा 28 + 31/49. तो इसका आंसर क्या आया? 59/49. 8 और 1 9 5 2 और 3 5, 59/39. तो क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे. 59 यहाँ रखा, 49 1 पे, 0 और 1 10, ठीक है ना? 10 आया इसका. तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? 1 10/49. 49 1 जा 49, 49 में 10 प्लस किए 59, 59/49. ओके, जिस अकॉर्डिंग हमने ये सब ऐड किया, ये इसमें कॉमन डिनोमिनेटर थे, सब्ट्रैक्ट किया कॉमन थे, फिर यहाँ पर आए तो क्या था? इसमें जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग थे. अब जो है वो प्लस था, अब हम सब्ट्रैक्शन में भी यही है. सब्ट्रैक्शन में भी जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर हैं वो चेंज है. डी पार्ट के डी पार्ट में है पहला 4 2/5 - 3 1/10. तो वही होगा. पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम चेंज कर लेते प्रॉपर में. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 + 2, ठीक है, अपॉन में 5 - 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा, +1/10. 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस करे, 22/5. -10 और 3 30, 31/10, ठीक है. अब वही 5 और 10 का पहले एलसीएम लेंगे. 5 और 10 तो किस टेबल से जाएगा? पहले 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से 1. तो एलसीएम क्या आया? 5 × 2, 5 2 जा 10. एलसीएम क्या है इसका? 10. तो 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है? 2 पे, तो 22 × 2,
माइनस 10 वन ज़ा 10 तो 31 इंटू 1 तो क्या है ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 2 ज़ा 4 क्या आया 44 तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 44 माइनस 31 वन ज़ा 31 माइनस 31 अपॉन में 10 तो इसको माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 44 में से जब 31 चला गया तो 13 अपॉन 10 ठीक है तो क्या करेंगे 13 बीच में रखेंगे 10 बाहर 10 वन ज़ा 10 तो हमारा रिमाइंडर क्या है 3 तो आंसर क्या आएगा हमारा 13 अपॉन 10 आंसर आएगा हमारा वही करना है कि आपने क्या करना है कि नीचे एलसीएम देखना है डिनोमिनेटर का उसके बाद जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें देखना है ये कहाँ पर आता है टेबल पे और फिर जो ऊपर वाली डिजिट होती है न्यूमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम एक देखते हैं फोर्थ हमारा क्या है 7 4 अपॉन 21 माइनस 4 3 अपॉन 7 तो इसमें पहले वही हमने वही चेंज करना है 7 into 21 प्लस 4 upon 21 माइनस 4 7 प्लस 3 upon 7 तो 21 और 7 एलसीएम 3 के टेबल से चला जाएगा 3 7 जा 21 फिर ये 7 फिर ये 7 से जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 तो इसका एलसीएम क्या आया 3 into 7 = 21 ठीक है तो हमारे पास एलसीएम क्या है 21 21 को 1 से मल्टीप्लाई करा सॉरी पहले हम इसको उसमें करेंगे कन्वर्ट प्रॉपर उसमें फ्रैक्शन में तो 7 21 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 151 फिर माइनस 7 4 जा 28 28 में 3 प्लस करें तो हमारा आया 31 upon 7 ठीक है। अब हमने एलसीएम जो निकाला था क्या था 21 21 1 जा 21 तो 151 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस 7 के टेबल में 21 कहाँ पर आता है 7 3 जा 21 होता है ना तो 31 into 3 ठीक है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 151 माइनस 31 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो क्या आया हमारा 93 upon 21 151 में से 93 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 58 upon 21 तो 58 upon 21 है तो 58 अंदर रखेंगे 21 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पे चला जाएगा क्योंकि अगर हम 21 3 जा करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 आता है तो 2 पे क्या आता है हमारा 42 8 में से 2 गए 6 और 5 में से 4 गए 1 16 तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 यहाँ 21 डिनोमिनेटर 2 और यहाँ 16 ये यह हमारा आंसर आएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 42 आएगा 42 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 58 ठीक है ये हमारा इसमें आंसर आएगा।